था। देखो बेटा, अमीन्स की जब हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, सीधी सी बात है कि अमीन्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो अमीन्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स के कंपैरिजन में फॉर द सेम मोलर मास ज्यादा होगा। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी अमीन्स। अगर सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन की बात करेंगे तो वहां पे फिर फर्क पड़ जाएगा, सबसे कम होगा, क्योंकि टर्शियरी अमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे ना, उनके साथ नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। ठीक है, सो टर्शियरी अमीन्स आर गोइंग टू हैव द लीस्ट मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स अमंगस्ट अमीन्स, एंड प्राइमरी आर गोइंग टू हैव द हाइएस्ट फॉर द सेम मोलर मास आइसोमेरिक अमीन्स में। ठीक है, ओके, तो ये हुआ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात, से कम है। अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है ना नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तो अल्कोहल्स हैव अ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अमीन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइड्स ऑल्सो हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, अजीब सी बात है, जब हम अमाइड्स की बात करते हैं तो अमाइड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अमीन से ज्यादा होता है, अब उससे एसिड से ज्यादा है, लेकिन अल्कोहल का अमीन से ज्यादा है क्योंकि वो और ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा अच्छा कॉन्जुगेट करता है, हाँ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा डाल देता है। ओके, इज दैट क्लियर? तो अब जहां तक सॉल्युबिलिटी का सवाल है, द अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लोअर अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और एज यूजुअल जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता चला जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी, वी नो इट, वो सारे के सारे हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अमीन थोड़ा ऐसे ढीले ढाले हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन के अंदर छोटे अमीन्स कम मुश्किल से डिजोल्व होते हैं। एक बात का ध्यान रखना, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कम हो जाएगी। ओके, नाउ सो दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। ठीक है श्रेय, आप दूसरी क्लास में नहीं आते हो, केमिकल काइनेटिक्स की क्लास मिस हो गई आपकी। ठीक है, ओके, नाउ सो वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम उसकी एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमीन्स। ठीक है, टू टॉक अबाउट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। ठीक है, जब हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स की बात करेंगे, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द, खाली हो गए दोनों, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स की बात करेंगे, देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपैरिजन विद अमोनिया। ठीक है, हम अमोनिया के साथ कंपैरिजन की बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर के अंदर। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमारे पास है CH3NH2। ठीक है, ओके, यहां पे हमारे पास है CH3NH2 एंड देन वी हैव NH3 एंड देन वी हैव अनदर थिंग NH2। ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं,
अब हम इसकी बात करते हैं। अब एक चीज देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, अमोनिया को हमने एज अ रेफरेंस ले रखा है। ये जो CH3 ग्रुप है, दिस कार्बन इज गोइंग टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स इनटू नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। सो CH3 अटैच्ड विद नाइट्रोजन इज गोइंग टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। ठीक है, इज दैट ओके? क्योंकि इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ प्लस आई ग्रुप, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू अमोनिया ज्यादा हो जाएगी। ओके, और जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू अमोनिया ज्यादा हो जाएगी, तो नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना एज कंपेयर टू अमोनिया ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बिकम अ बेटर लुइस बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। तो अल्काइल अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस एज कंपेयर टू अमोनिया। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, अब इसकी बात करें एनिलीन की। जब हम एनिलीन की बात करते हैं, तो एनिलीन के नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड है। अगर एनिलीन का इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना मुश्किल हो जाएगा। एंड देयरफॉर एनिलीन इज अ वीकर बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। ये बात समझ में आ गई? तो एलिफैटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू अमोनिया, एरोमेटिक अमीन्स दैट इज एनिलीन इज अ वीकर बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया? ये याद रखना है तुम्हारे एग्जाम, उसके अंदर क्वेश्चन भी है बुक के अंदर। तो ये हमने इनकी आपस के बेसिक कैरेक्टर कंपैरिजन की बात की। अब जब हम अमीन्स की बात करते हैं, तो अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर हमारे पास दो तरीके से डिसाइड होते हैं। ये तो मैंने एक जनरल सा बता दिया, लेकिन वैसे हमारे पास दो तरीके से बेसिक कैरेक्टर डिसाइड होता है। एक तरीका है इन द वेपर फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट। जब वेपर फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो अमीन्स दे आर लुइस बेसिस, यानी कि दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर की बात आती है, तो सीधी सी एक ही बात रह जाती है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, उतना बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। और उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल यह है कि अगर हम बात करते हैं इनकी, लेट्स से हमारे पास है NH3, फिर हमारे पास है CH3NH2, फिर हमारे पास है CH3NCH3H, देन वी हैव CH3NCH3CH3, वी हैव अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। अब यहां पर जब हम इनकी बात करते हैं, इनके बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो सीधा सीधा हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितना पुश कर रहा है, CH3 कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। तो यहां पे एक CH3 कर रहा है, यहां दो कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो जब हम नॉन एक्वस मीडियम वेपर फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो सीधा सीधा ऑर्डर ये बन जाता है। ठीक है, दिस इज इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और यू कैन से वेपर फेज। बेटा यहां पर जो है CH3 इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। CH3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन पुश करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नाइट्रोजन के पास। जब नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लिए डोनेट करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, वेपर फेज में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब अगर ये वेपर फेज ना होता, तो मतलब कि हमने वेपर फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट स्पेसिफिकली मेंशन किया है ना। अब अगर हम पोलर सॉल्वेंट या वाटर की बात करें, तो अगर हम वाटर की बात करेंगे, तो यहां पे हमें इनके कॉन्जुगेट्स की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी।
वाटर के अंदर बेसिक एसिड कैरेक्टर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा एनएच फोर प्लस, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा सी एच थ्री एन एच थ्री प्लस, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा सी एच थ्री एन एच टू सी एच थ्री, हेयर इट इज प्लस, दिस इज सी एच थ्री एन सी एच थ्री सी एच थ्री एच प्लस। अब यहां पे दो पंगे हैं, हमें यह देखना कि पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तब होती है जब पॉजिटिव चार्ज कम होता है। ओके तो जितने इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगेंगे पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल हो जाना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी ट्विस्ट और भी है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी भी है, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम है, यानी कि द टू फैक्टर्स आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। अब रुको, तुम कभी किसी के साथ मूवी नहीं देख सकती, इसका मतलब है ऐसे लोगों से पता चल जाता है इनका क्या हुई, अब क्या होगा, अच्छा क्या होने वाला है, ना ना अरे सुनो, तो खुद तो देखते नहीं है मूवी, दूसरे का भी मजा खराब कर देते हैं, ठीक है, उन्हें मूवी नहीं देखनी होती, उन्हें मूवी का एंड पता होना चाहिए, ओह वाह ठीक है अब ये अच्छी मूवी है। हाँ तो अब यहां पे भी वही बात है, अब तो आंसर आ रहा है, चिंता क्यों कर रहे हो, आ रहा है मूवी तो चलने दो सारा इंटरेस्ट की। अब यहां पर देखो हमारे पास यह है कि स्टेबिलिटी की बात करनी है, अब जब स्टेबिलिटी की बात करनी है देन दैट केस हमारे पास दो फैक्टर हैं अपोजिंग, और जब दो अपोजिंग फैक्टर हो जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हमें नहीं पता। ओके अब सीधी सी बात आ जाती है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं, प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें यह बताते हैं कि इन एक्वस मीडियम अमोनिया, और आई शुड से अमोनिया नहीं लेते, सबसे स्ट्रांग ले लेते हैं, सबसे स्ट्रांग वुड बी सी एच थ्री, अच्छा सी एच थ्री ट्वाइस एन एच, सेकेंडरी अमीन बिकम्स द मोस्ट बेसिक फॉलोड बाय प्राइमरी सी एच थ्री एन एच टू एंड देन इट इज टर्शरी सी एच थ्री होल थ्राइस एन एंड देन इट इज अमोनिया। तो एक्वस मीडियम में ये ऑर्डर है। अच्छा प्लीज आई डिडंट से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, आई सेड डायमिथाइलामीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉलोड बाय मिथाइलामीन फॉलोड बाय ट्राइमिथाइलामीन, अगर मिथाइल की जगह ये इथाइल हो जाए तो भी ऑर्डर बदल जाएगा, और अगर मैं इथाइल की बात करूं तो इथाइल के अंदर सी टू एच फाइव होल ट्वाइस एन एच, फिर है सी टू एच फाइव होल थ्राइस एन, फिर है सी टू एच फाइव एन एच टू, और फिर है एन एच थ्री, यानी कि इथाइल में ये ऑर्डर बन जाता है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन बना सकता हूं लेकिन माय सजेशन रट्टा मार लो, एग्जाम में इन दोनों में से ही आएगा और कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक और बार करवाऊंगा, अभी करवा रहा हूं वो भी, अरे करवा रहा हूं ना बता रहा हूं भाई, करवाऊंगा करवा रहा हूं, ये समझ में आ गया, समझ में क्या आ गया, रट्टा मारो स्पेसिफिक रीजन तो बन जाते हैं, बना तो मैं दूंगा रीजन, द क्वेश्चन इज वाई, दैट्स एन इंपॉर्टेंट ऑर्डर वी टॉक्ड अबाउट, और ये वो ऑर्डर है जो आप कह रहे हो मुझे कि मैंने कौन सा इसके जैसे करा था, वो इंपॉर्टेंट बात है, वो इसके जैसे बिल्कुल भी नहीं है, दैट ऑर्डर इज स्पेसिफिक बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर, we have something like this is guanidine, ठीक है, this is piperidine, मॉर्फोलिन,
पिरिडीन, एनिलीन एंड पायरोल। इनकी खास बात यह कि ना बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर वेपर फेज में और एक्वस मीडियम में सेम रहता है। तो कुड यू जस्ट गिव मी द ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर? क्या देख लो मुझे क्या उससे फायदा, तुम्हें क्या होगा? पीछे से देखोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि रीजन तो तुम्हें समझ में आएंगे नहीं। इसमें अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, जब हम गुआनिडीन की बात करेंगे तो गुआनिडीन के अंदर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, और ये बॉन्ड जब यहां क्लीव होगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, अब जो हम इस पिपरिडीन की बात करते हैं, पिपरिडीन सीधा सीधा एक सेकेंडरी अमीन है, दो अल्काइल के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज पिपरिडीन, सेकेंडरी बेस है। जब मॉर्फोलिन की बात करते हैं, मॉर्फोलिन भी एक सेकेंडरी बेस है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की वजह से ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, वो इसके बेसिक कैरेक्टर को थोड़ा सा कम कर देगा। इज दैट क्लियर? इट्स गोइंग टू मेक इट स्लाइटली लेस। पिरिडीन के अंदर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिकॉज ऑफ दैट इट्स इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। फाइन, एनिलीन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड है, तो इसलिए और कम अवेलेबल हो गया। और जहां पायरोल की बात है, वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, तो डोनेट करना, तो क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो ना, नेगेटिव होना चाहिए तभी तो वो डोनेट करेगा। ठीक है, तो बेसिक का मतलब ये है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तभी तो वो डोनेट करेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। ठीक है, अब जरा अमीन से कुछ रिएक्शंस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, ये याद सोचना कि तुम्हें याद होगा ये तो बेकार है ना, ये एक्सपेक्ट करना कि तुम्हें याद होंगे रिएक्शंस, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी ना। जैसे कि द रिएक्शंस ऑफ अमीन्स विद नाइट्रस एसिड HNO2, याद आया कुछ? NaNO2HCl, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, नाइट्रस एसिड, लिख सकते हो मैकेनिज्म। देखिए बिना, चलो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी तरह अच्छी बात है। अच्छा एक और बात बताओ, कार्बाइल अमीन रिएक्शन याद है? क्लोरोफॉर्म अमीन, प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म बेस, और बनता है कार्बाइल अमीन RNC। राइमेटामिन रिएक्शन के साथ करवाया था, क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन में। क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन करवाया था ना, राइमेटामिन रिएक्शन कराया था, नाम याद है? तो रामेटामिन का नेक्स्ट कार्बाइलामीन रिएक्शन था। दो हजार कार्बीन रिएक्शन, डाइक्लोरोकार्बीन, कुछ कुछ याद आया? ये वाला रिएक्शन था वो, मैं क्विकली क्विकली लिख रहा हूं। हमने लिया था CHCl3 reacted with KOH, we get CCl2 dichlorocarbene,
फिर हमने लिया था आर एन एच टू इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको रिएक्ट किया था सी सी एल टू के साथ, ये बॉन्ड यहां अटैक करता है एंड वी आर गोइंग टू गेट आर एन एच एच सी सी एल सी एल माइनस प्लस, याद आया कुछ 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 सुना सुना लगा, सुना सुना तो नहीं लगा ना, कुछ कुछ सुना सुना लगा ना, गुड गुड। और फिर लास्ट में रिएक्शन करते करते वी गॉट आर एन सी। नाउ दिस वाज कॉल्ड कार्बाइल अमीन, अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। नाउ दिस इज द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन ये नहीं देते। ठीक है, वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन एंड नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब एक नया रिएक्शन करेंगे। एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हिंसबर्ग्स रिएक्शन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड हिंसबर्ग्स टेस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिंसबर्ग्स मेथड। नाउ दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एज वेल एज सेपरेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। क्लियर। अब सबसे पहले समझते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट है क्या। हिंसबर्ग्स रिएजेंट इज बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इट्स बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सीधी सी भाषा में इट्स एन एसिड क्लोराइड, बात सिर्फ इतनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड की जगह सल्फोनिक एसिड क्लोराइड है। दैट इज व्हाट वी हैव एज बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड। अब इसे हम रिएक्ट करवा देते हैं एक प्राइमरी अमीन के साथ। जब हम इसे एक प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जैसे एसिड क्लोराइड रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, एक क्लोरीन निकल जाता है एंड वी आर गोइंग टू गेट जैसे एल्कानामाइड होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड बनता है, ये सल्फोनामाइड है, ये सल्फोनिक एसिड का अमाइड है। इज इट क्लियर। ये सल्फोनामाइड है, सल्फोनिक एसिड का अमाइड। अब यहां पर इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेट कर सकता है, तो ये जो हाइड्रोजन है दिस बिकम्स सब्सटेंशियली एसिडिक, इट इज अ सब्सटेंशियली एसिडिक हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर। इट्स अ सब्सटेंशियली एसिडिक हाइड्रोजन। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नाउ इफ इट इज अ सब्सटेंशियली एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसको अगर हम
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दें तो दिस इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग सॉल्ट। तो यहां पे हमारे पास है पीएच एस ओ टू एन, ये माइनस आ जाता है, यहां आर और एन ए प्लस, ठीक है। अ प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद, अ प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद द हिंसबर्ग्स रिएजेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड, द हिंसबर्ग्स रिएजेंट, दिस इज सल्फोनामाइड। इज दैट क्लियर? सो दैट इज वॉट वी हैव एज द हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ओके, व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ प्राइमरी अमीन वी हैव सेकेंडरी अमीन? बना दो प्रोडक्ट। किसमें? हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो क्या कहोगे तुम इसके बारे में? अब हम ये कह सकते हैं ना कि द सेकेंडरी अमीन्स दे रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट विच डज नॉट डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और टर्शरी के बारे में क्या कह सकते हो? टर्शरी इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द हिंसबर्ग्स रिएजेंट। तो इस तरीके से हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट यूज करके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। आपके पास अमीन्स का मिक्सचर है, उसके अंदर आपने हिंसबर्ग्स रिएजेंट डाल दिया, प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्ट करके टर्शरी नहीं किया, डिस्टिल कर दो, टर्शरी बाहर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, एक एक्वस लेयर बन जाएगा, एक नॉन एक्वस लेयर बन जाएगा, एक्वस लेयर के अंदर सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी पीछे रह गया। हाँ, उसको सेपरेट करने के लिए जी, लेकिन हम ये तभी करेंगे, देखो सारे रिएजन की कुछ कॉस्ट होती है,
हर चीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द हिंसबर्ग्स रिएजेंट एंड दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द अमीन्स वन ऑफ द रिएक्शन। अब हम अमीन के एक और रिएक्शन की बात करेंगे एंड दैट टू द रिएक्शन ऑफ एनिलीन, और कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है? लेट अस से हमारे पास है एनिलीन, अब अगर हम इस एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर दें, इफ वी ट्रीट एनिलीन विद ब्रोमीन वाटर, वी आर गोइंग टू गेट टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब प्रॉब्लम यह है, जब फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड में मोनो हो जाता है, वाटर के अंदर ट्राई हो जाता है, तो मोनो और ट्राई हम पानी और कार्बन डाइसल्फाइड के थ्रू निकाल सकते हैं। एनिलीन की प्रॉब्लम यह है, पानी लो, कार्बन डाइसल्फाइड लो, ट्राई सब्स्टिट्यूशन ही मिलता है। क्या आप में से मुझे कोई छोटा सा आइडिया बता सकता है कि अगर मुझे पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है फ्रॉम एनिलीन, तो मैं कैसे बनाऊंगा? इनफैक्ट द क्वेश्चन वुड बी हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, या नहीं एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, वो ज्यादा अच्छा है, यहां नहीं होता वो। हाउ वुड यू कन्वर्ट एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन? सिर्फ एक तरीका है इसका, देयर इज ओनली वन वे टू डू इट। वो तरीका क्या है? टेक एनिलीन, रिएक्ट इट विद सी एच थ्री सी ओ ट्वाइस ओ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करोगे क्या बनेगा? बनाओ जल्दी से बनाओ। What are you going to get when you treat it with acetic anhydride? Twice नहीं आएगा, single आएगा। अमाइड, एसिटानिलाइड जो बनेगा, क्या इसके बाद ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड? ये बन जाएगा NHCOCH3। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटानिलाइड, ठीक है? इट्स एन अमाइड। अब एसिटानिलाइड के अंदर ये नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ भी कॉन्जुगेटेड है, और क्योंकि वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ भी कॉन्जुगेटेड है, इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बेंजीन रिंग को उतना एक्टिवेट नहीं करता। क्लियर? तो अटैक सिर्फ पैरा पे होता है। नाउ यू कैन ट्रीट इट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड, एंड वी गेट NHCOCH3Br। ठीक है,
सिर्फ पैरा पे होगा, और ये वाली पोजीशन तो माइनस आई भी इफेक्ट होगा ना ऑर्थो पे। अब इसका कर दो हाइड्रोलिसिस या फिर मे बी एनएओएच के साथ, एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस इज द वे टू प्रिपेयर पैरा ब्रोमो एनिलीन। एनी कंफ्यूजन? ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एनिलीन को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट किया जाए, तो यहां पर हमें मिलता है NH2 NO2 प्लस NH2 NO2 प्लस NH2 NO2 ठीक है। द थिंग टू सी इज दिस इज जस्ट 2%, दिस वन इज 47% एंड द रिमेनिंग दिस इज 51%। देखो वी आर गेटिंग ऑर्थो एज वेल एज मेटा एज वेल एज पैर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, विच ऑफ दीज कंपाउंड गिव्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ऑन नाइट्रेशन? फिनॉल नहीं देता, दिया ही नहीं था ऑप्शन में, ठीक है, टॉलुइन नहीं देता, बाकी तो जो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो तो देंगे ही, लेकिन उनमें से एक भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था नहीं, ये देता है सब्सटैंशियल नॉट द ओनली वन। सो कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन हियर? एनिलीन को एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में रखा जाए तो क्या होगा? एसिड की प्रेजेंस में रखा जाए तो क्या होगा? रिएक्ट हो जाएगा। गुड, तो एनिलीन जब H प्लस से ट्रीट करेगा तो इट्स गोइंग टू फॉर्म NH3 प्लस, NH3 प्लस बनाएगा, कोई दिक्कत किसी को? NH3 प्लस कैसा ग्रुप है? प्लस एम माइनस एम, प्लस आई माइनस आई, कैसा है? व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप इज NH3 प्लस? इसका मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा? इंपॉर्टेंट बात, इसका कॉन्जुगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास ना तो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना ही इसके पास लोन पेयर है। ठीक है ना?
इस नाइट्रोजन के पास ना तो एम्प्टी ऑर्बिटल है और ना ही लोन पेयर है। तो अगर इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी नहीं है, इसके पास लोन पेयर भी नहीं है, तो अब ये क्या करेगा? ये मेसोमेरिक इफेक्ट, कॉन्जुगेटिव इफेक्ट तो शो कर नहीं सकता। प्लस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। विल इट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द न्यूट्रल नाइट्रोजन? बोलो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ ना, ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब इट्स इलेक्ट्रॉन पुशिंग कैपेसिटी, पुलिंग कैपेसिटी वुड बी इवन मोर। इट्स अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। कोई दिक्कत? ठीक है, बींग अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, इट इज गोइंग टू मेक द ऑर्थो द मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, देन मेटा, एंड हेयर द मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच कंपेरेटिव वुड बी पैरा। तो पैरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा, फिर मेटा और ऑर्थो सबसे कम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये माइनस आई ग्रुप होने की वजह से इस तरीके से बिहेव करता है। कोई दिक्कत? So this is what we have as the nitration of aniline. ठीक है? Now we are going to talk about the reaction of diazonium salts. Diazonium salt को हम कई बार कर चुके हैं, उसके reactions भी कई बार कर चुके हैं। हो गया है aniline ना? Aniline is over. Oh, amine is over. ठीक है, फॉर्मेलिटी से एक रिएक्शन और करवा रहा हूं, 7 मिनट बचे हैं क्लास के अंदर, तो 7 मिनट के अंदर जल्दी खत्म कर देते हैं क्लास। ठीक है, एंड टुमारो वी आर गोना स्टार्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स। क्या तारीख है? ठीक है, 5-4 दिन और चलेगा। कल परसों आज है 26, एक हफ्ता और चाहिए। एक हफ्ते में और तो कोर्स खत्म हो जाएगा। तुम्हारा क्या? हाँ तो आ जाना ना अगले हफ्ते, अगले हफ्ते 3 क्लास अटेंड कर लेना, कोर्स खत्म। ओके नाउ, Now we are going to talk about the reaction of diazonium salt. Diazonium salt के लिए हमारे पास ये aniline है। Aniline को हम treat कर देते हैं NaNO2 के साथ in presence of HCl 0 to 5 degree Celsius. We get benzene diazonium chloride. और अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ हम बड़े सारे रिएक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसको C2H5OH के साथ ट्रीट कर दें तो क्या बनता है? कुछ नहीं, बेंजीन। यस, या फिर इसको H3PO2 के साथ भी ट्रीट किया जा सकता है, इट गिव्स बेंजीन। ठीक है, देन अगर हम इसको सीधा सीधा H2O H+ के साथ बॉइल कर दें तो, अरे क्या था ये, फिनॉल बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको ट्रीट कर दिया जाए किसके साथ? CuCN HCl के साथ,
साइनाइड, इसको ट्रीट कर दिया जाए CuCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये Cl, इसे ट्रीट कर दिया जाए CuBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HBr, Br. नाउ दीज आर कॉल्ड मिट्टी वाले रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन. These are called Sandmeyer's reaction. Then we could have simply Cu with HCl. Again, ye Cl ban jayega. Cu with HBr. Again, ye Br ban jayega. Theek hai? Okay. Now these are called Gatterman's reaction. ठीक है, देन अगर हम इसको सीधा सीधा के आई के साथ ट्रीट कर दें तो आई बन जाएगा. अगर हम इसको एच बी एफ फोर के साथ ट्रीट कर दें, ना ना ऐसे नहीं लगता. पहले ये बनेगा एन टू प्लस, ठीक है, बी एफ फोर माइनस. अच्छा, इससे हम नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हैं AgNO2 से ट्रीट करके, या फिर इसको सीधा सीधा हीट कर दो, बाल्शीमन रिएक्शन. ठीक है, इसको फिनॉल या एनिलीन के साथ ट्रीट कर दो तो कपलिंग हो जाती है एंड वी गेट the diazonium coupling, azo dies. Paraposition भी लग जाता है ना, phenol की paraposition, because it's a nucleophile, ये electrophile, nitrogen पे positive charge है ना, azo dies बन जाते हैं.